हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनी का तड़का। मैं हूं सोनी सिंह। फ्रेंड्स, नवरात्रि का शुरुआत होने वाली है, तो क्यों ना माता रानी की कृपा पाने के लिए महाप्रसाद बनाया जाए। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि माता रानी को 9 दिन अलग अलग क्या भोग लगाएंगे। घर की चीज़ों से ही 9 दिन के लिए 9 भोग थाली तैयार करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि और भी रेसिपी आप तक पहुंचा लूँ। महाप्रसाद में हम लोग खीर और मालपुआ बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले खीर बनाते। गैस ऑन करके एक बर्तन चढ़ा लेंगे, इसमें 700 ml दूध डाल लेंगे और लो फ्लेम पे दूध को बॉईल होने देंगे। दूध बॉईल हो रहा है, तब तक चलिए राइस धो लेते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें 60 ग्राम खीर बनाने वाला राइस ले लिया। ये छोटे दाने की राइस होती है। अब इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे, तो ये देखिए राइस बिल्कुल साफ हो गया। देखिए अब दूध बॉईल होने लगा है। ध्यान रहे दूध को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। एक उबाल आने पे इसमें धोया हुआ राइस डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे ताकि राइस चिपके नहीं। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। अब इसमें क्रश किया हुआ नारियल डाल देंगे और 2 कुटी हुई छोटी इलायची डाल देंगे। इलायची छिलके से ही डालना, उसे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब चला लेंगे और लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। अब इसे चला कर देख लेंगे। देखिए हमारा राइस पक गया है। अब इसमें चीनी डाल देंगे। जिस कप से राइस लिया था उसी कप से 1 कप चीनी डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से चला लेंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। ध्यान रहे चीनी पहले नहीं डालना, चीनी पहले डालने से राइस जल्दी नहीं पकता है। देखिए अब खीर बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस ऑफ कर देंगे, इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देख लेंगे। ये देखिए खीर बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। खीर बहुत ही मस्त बना है। अब नारियल और बादाम से गार्निश कर लेंगे। खीर तो तैयार हो गया है, अब बारी है मालपुआ बनाने की। मालपुआ बनाने में सबको बहुत ही दिक्कत आती है। सभी लोग मालपुआ नहीं बना पाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से मालपुआ बनाएंगे तो आसानी से बहुत ही जल्दी मालपुआ बना पाएंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया। इसमें 1 कप 60 ml दूध ले लेंगे, जो कि गाय का दूध है, और उसी कप से 2 कप पानी ले लेंगे। अब इसमें उसी कप से 1 कप मैदा मिला लेंगे। मैदा थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए, गुठली ना रह जाए। अगर एक बार में डाल देंगे तो गुठली रह जाएगा। इसी तरह से हम 1 कप आटा भी मिला लेंगे। अब इसमें 3/4 चीनी डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिल गया है। अब इसमें क्रश किया हुआ नारियल, इलायची पाउडर और बादाम डालकर मिला लेंगे और 5 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि चीनी अच्छे से मिल जाए। ये देखिए बेटर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतले। 5 मिनट हो गया है, तो चलिए मालपुआ बनाते हैं। गैस ऑन करके पैन चढ़ा लेंगे। पैन जब गर्म हो जाए तो घी या रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। मैं यहाँ पूजा के लिए बना रही हूँ, इसलिए घी यूज किया है। घी जब गर्म हो जाए तो बेटर लेकर कलछी की सहायता से पैन में एक जगह पर अच्छे से डाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से डालना है। गैस मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब इसे छोलनी की सहायता से दूसरी तरफ पलट लेंगे। इसे किनारे से धीरे धीरे दबाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। इसे पुआ अच्छे से फूल जाएगा। पुआ को दोनों तरफ से सेक लेंगे। देखिए मालपुआ बिल्कुल फूल गया है। आपको भी इसी तरह से बनाना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी का पुआ भी इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए
सारे पुआ फूले फूले बने हैं, देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है। अब ऊपर से बादाम से सजा लेंगे। तो चलिए अब माता रानी के लिए नौ भोग के लिए 9 दिन का 9 भोग थाली तैयार करेंगे। अब थाली में गाय का घी, शक्कर, खीर, मालपुआ, केला, शहद, गुड़, नारियल और तिल रख लेंगे और सजा लेंगे। आइए अब जानते हैं कि किस दिन कौन सा भोग लगाना है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। घी का भोग लगाने से निरोग और खुश रहने का वरदान मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। शक्कर का भोग लगाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। गाय के दूध से बनी हुई चीजों को भोग लगाने से घर में खुशियाँ आती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। मालपुआ के भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। केले का भोग लगाने से आजीवन आरोग्य का वरदान मिलता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजा होती है। शहद के भोग लगाने से आकर्षण का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक संकट से रक्षा होती है। नवरात्रि के आठवां दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। नारियल का भोग लगाने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। नवरात्रि के नवा दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तिल का भोग लगाने से आकस्मिक मृत्यु से बचाव होता है। अब हमारा नवरात्रि का 9 दिन का 9 भोग थाली तैयार है। अब आप भी इसी तरह से बनाइए और माता रानी का भोग लगाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।